नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। रजनीश किरण की रिपोर्ट नालंदा से। बेन की महिला थानेदार पिंकी प्रसाद द्वारा एक गरीब मजदूर को रक्त दिए जाने पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुद फोन कर न केवल इस कार्य के लिए उन्हें बधाई दी, बल्कि कोरोना जैसे संकट के समय एक महिला पुलिस पदाधिकारी होते हुए रक्त दान किए जाने की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आपने रक्तदान कर एक गरीब दलित मजदूर की जान बचाई है, निश्चित तौर पर यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। साथ ही उन्होंने फोन पर पिंकी प्रसाद से प्रेरणा के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने किसके लिए नालंदा एसपी नीलेश कुमार, डीएसपी इमरान प्रवेश और पूर्व एसपी कुमार आशीष के साथ साथ डीजीपी के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा करते हुए इन लोगों को अपनी प्रेरणा बताया। करीब 3:30 तक किए गए बात नहीं न केवल पिंकी प्रसाद के कार्यों की सराहना की, बल्कि हौसला अफजाई करते हुए आगे भी इस तरह के कार्य करने की सलाह दी। आज डीजीपी महोदय ने आपसे बात किया, क्या मुद्दा था, क्यों आपसे बात किया उन्होंने और कैसा फील करा आपने? जी, हमारे पुलिस महानिदेशक ने हमसे बात किया। वो हमारे लिए एक गोल्डन पीरियड था। वो मैं समझ नहीं पा रही थी कि सर मेरे से बात कर रहे हैं, एक एक कनीय पदाधिकारी से इतने बड़े पदाधिकारी बात कर रहे थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं कभी नहीं भूल सकती है उस पल को। मैंने 2 दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि किसी को ब्लड की आवश्यकता है, उस पर जब मैंने फीडबैक लिया तो ब्लड उनको अभी तक नहीं मिला था। वो एक राजमिस्त्री थे, कैंसर पीड़ित थे, तो मैंने उनको ब्लड डोनेट किया था कल जा करके। इसी संबंध में पुलिस महानिदेशक जी ने हमसे बात किया था। तो क्या कैसा लगा, आपने फील कैसा किया है, उन्होंने आपको प्रेरित किया? जी, उन्होंने उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैंने ये सब काम किया है। वो एक वही चीज़, वो जो हमेशा कहते हैं कि मानवता दिखाइए, मानव बनिए, उसी को आधार मान करके मैंने कल ये काम किया था। और उनको भी बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सर से बात करके, बहुत खुश हुई। क्या किया है बताइए। इस कोरोना महामारी में जब से कोरोना महामारी हुई है, जब से दिन रात लोगों को सेवा में ही लगे रहते हैं। हर गांव, हर पंचायत, इनके क्षेत्र में 126 गांव हैं जहां जाने के काम करते हैं। हर गरीबों से मिलना, हर लोगों से बात करना, और इन्होंने कोरोना महामारी में जो रक्तदान किया है, एक बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। और इसी और लोगों के प्रति यही जागरूकता सिखाए हैं कि आप भी रक्तदान करें। ये बहुत बड़ा काम किए हैं एक महिला अफसर होकर के, एक थाना प्रभारी होकर के, कि एक मजदूर को रक्तदान दिए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना प्रसाद है। जी सर, प्रणाम सर, जय हिंद सर। और सर, 2 दिन के बाद जब हमने जानकारी लिया वापस की, फीडबैक लिया कि उनको ब्लड मिला कि नहीं, तो पता चला कि नहीं, अभी तक उनको ब्लड प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो कोइंसिडेंटली सर कि मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं दे देती हूँ। फिर मैंने जा कर के सर उनको दिया ना सर। सर हमारे सीनियर्स जितने हैं सर, सब बहुत अच्छे हैं सर, वो लोग सारा काम करते हैं, उन लोगों के काम से प्रेरणा मिलता है सर। सर यहाँ कुमार आशीष सर पहले थे सर, वो भी बहुत अच्छा काम करते थे, वो भी इस तरह का काम करते थे सर। इमरान सर हैं सर, इमरान परवेज सर हमारे सदर SDPO हैं सर, हमारे SP सर हैं सर, ये लोग अच्छा काम करते हैं। तो इन लोगों के काम से ही प्रेरणा मिलता है सर कि हम लोग भी मानव हैं, हम लोगों को भी ऐसा काम करना चाहिए।
सर का हमेशा सोशल मीडिया पे आता रहता है सर की लोगों की भलाई करनी चाहिए, तो सर से भी इंस्पायर होते हैं सर हम लोग।